पहले तो आप ये समझिए, ये बौद्ध धर्म या इस्लाम या सिखिज्म ये कहां से है, कौन है ये बौद्ध को अपनाने वाले धर्म कौन है और इस्लाम को अपनाने वाले मुसलमान कौन है। इसको समझना हिंदुस्तान के ये मेरा और आप मेरा और हम आपके एक फिल्म है, ये फैसले फिल्म है। हम एक ही अल्लाह और ईश्वर के संतान है जिसको दुनिया में लाया गया और ये 1 लाख पहले दुनिया में हम बंदा और मकान से बाहर मार से आए और तब से संगता का विकास हुआ। हम एक ब्लड के कोच से हैं। जब मनुष्य गरीब दलित कमजोर वंचित अभाव में रहने वाले लोगों को यात्रा देना शुरू किया तो कुछ लोगों ने बहुत को कम किया और जिनको यह अच्छा लगा बाद में कि बहुत से भी ज्यादा अच्छा इस्लाम विचारधारा है, सरल विचारधारा है, विनम्र विचारधारा है, तो कुछ लोगों ने इस्लाम पप्पू चौहान, पप्पू निशा, पप्पू मंडल, पप्पू सिंह, बौद्ध को कबूल कौन किया? पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू चाचा। जब किसी मुल्क के लोगों ने गरीब को मारना शुरू किया, तंग करना शुरू किया, तो लोगों ने एक सरपरस्ती खोजी जिसमें दुनिया में सबसे अच्छा बौद्ध के बाद इस्लाम की विचारधारा बनाने लगी कि मेरा अपना है जो मुझे इस्लाम देगा, जो मुझे जीने देगा, जो मुझे साथ रहने देगा, जो मुझे आजादी के साथ चलने देगा, जो मोहब्बत की बात करता है, जो परिवार की बात करता है। लगभग शेख जो लोग हैं वो ब्राह्मण से गए, पठान राजपूत से हुए, खान भंडार से हुए और इधर जितनी भी जाति है वो दलित और गरीब और कमजोर तबके से हुए। तो पहले तो ये समझिए कि मुसलमान मेरा खून है, दलित मेरा खून है, इसको समझना जरूरी है। ये पाकिस्तानी नहीं है, ये समझ पाकिस्तान में नहीं। सबसे ज्यादा आजादी के बाद अभी भारत के मूल के लोगों को मारा गया, कहां मारा गया? तमिल, श्रीलंका, तमिलों को मारा। 1,65,000 लोगों को पत्रकार ने मारा। तुम श्रीलंका को छोड़ दो, उसके बाद कहां मारा? नेपाल में मधेसियों, 36,000 मधेसी मारे और लगभग 35,00,000 से ऊपर मधेशियों के घर लगा। सबसे ज्यादा कम कहां है? नेपाल। उसके बाद बौद्ध धर्म को कहां मारा? छोड़ दीजिए कोरोना के समय में, बौद्ध को कहां मारा? बर्मा में और भूटान में। तुम बर्मा छोड़ दो, म्यांमार छोड़ दो, नेपाल छोड़ दो, श्रीलंका छोड़ दो, चाइना छोड़ दो, अफगानिस्तान मेरे मूल प्राण नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान मेरे मूल शरीर था और उससे मंगला देश था। तुमने को जिस दिन अफगानिस्तान को सीएए ने जोड़ा उसे ही बता दिया कि सीएए और एनआरसी मेरा मुद्दा नहीं है, देश के मुद्दों से भटकाना वोट की सियासत। जब हरियाणा और महाराष्ट्र में खत्म हो गए, मुसलमानों ने तलाक पर कुछ नहीं कहा। अरे नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या पप्पू यादव करता है, सबसे ज्यादा दहेज पप्पू यादव देता है और चला है, सबसे ज्यादा इमिग्रेशन पप्पू यादव के यहाँ। मुसलमानों के घर में 1.3% तलाक होता है, अभी जाहिर या अहंकार है। तब मुसलमान कहे नहीं ठीक,
जब जीसस ने चल दिया मुझे सलाम दिखा मेरे प्रभु थे, जब आस्था और आत्मा की यहाँ पर जब मंदिर का निर्णय आपने दिया, आपने कहा कि राम का जन्म नहीं हुआ वहां मोक्ष था, बाकी की लेकिन सीता के पहले एक अवशेष था, भारत की स्थापना कहीं है, इसीलिए संविधान से आपने निर्णय नहीं दे रहा हूं, मैं आत्मा और आस्था का निर्णय दे रहा हूं, और इस देश के 30 करोड़ मुसलमान दर्द लेकर के न्याय और संविधान को अपने तो है वो समझने का प्रयास किया। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो जिन्ना ने आवाज दिया था, अगर मुसलमानों के मुल्क भारत नहीं पाकिस्तान, उस वक्त इस हिंदुस्तान का मुसलमान ने कहा जिन्ना तेरा देश पाकिस्तान हो सकता है, मेरी मिट्टी मेरी संस्कृति मेरी तहजीब मेरा खून मेरी रोटी मेरी बेटी मेरा वतन मेरा मोहब्बत सिर्फ भारत की मिट्टी है, और वही मुसलमान वही दलित वही लोग इस मुल्क का निर्माण समझिए, यहाँ बड़ा हिंदू मुसलमान एनआरसी ये कुछ नहीं है। मैं पहले दिन 3 दिन पहले से कह रहा हूं, जामिया की पहली स्पीच में मैंने कहा था और एमयू के दूसरी स्पीच में, तीसरे दिन वहां बोली चले और मेरे सामने जब वो बेटी नहीं होती तो 300 लड़के को मेरे को बोलता, 3000 बेटियों ने कवर किया मेरे सामने, 63 लोगों को इन्होंने पैर में गोली मारी, 63 एक नहीं रात हेडक्वार्टर पर थे, एक भी मुसलमान नहीं था। पप्पू यादव चंद्रशेखर कांग्रेस के दो लीडर और इंटरव्यू के बच्चे, मैं उस दिन से कह रहा हूं ये लड़ाई डायवर्ट करने गई है, ये लड़ाई कुछ और है। अब आप हमें बताइए जो इस बदल को सीखा। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।